नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज शुरुआत करते एक ऐसी खबर से जो शायद हर एक हिंदुस्तानी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वास्ता रखती है, क्योंकि यह खबर देशव्यापी है। तो हमने यानी एनडीटीवी ने इस खबर को पूरी ताकत और गंभीरता से देश के सामने रखा था और अब आज एनडीटीवी की इस खबर का बड़ा असर दिखाई दे रहा है। सैयद इलियास हुसैनी, ये नौजवान इन दिनों यूक्रेन रूस युद्ध में बेमतलब फंसे हैं। रोजगार की तलाश में रूस गए कई युवाओं। रूस की सेना ने इन भारतीय युवाओं को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चे पर भेज दिया है। लाख डेढ़ लाख रुपए की तनख्वाह के लालच में बहकाकर कुछ एजेंट उन्हें पहले रूस ले गए। एनडीटीवी की टीम ने देश भर से इनपुट जुटाया है। कुछ लोगों की वहाँ पर मौत भी हुई है। लोग भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं। बाद वो बेलारूस किसी एजेंट के जरिए वहाँ पहुँच गए। किस तरह से मानव तस्करी का खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, अम्बाला, चंडीगढ़ समेत 7 राज्यों में 13 जगहों पर छापे मारे और देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे उनके परिवार वाले बेहद परेशान। पुलिस ने उसे डराया कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो जेल जाना होगा। आखिर क्यों हम अपने हम वतनों के साथ ही संवेदनहीन हो जाते हैं? कुछ हरे हरे डॉलर की खातिर कुछ भारतीय एजेंटों ने हम वतनों को ही युद्ध में गलत तरीके से झोंक दिया। ये एजेंट राजस्थान का रहने वाला है। हो सकता है आने वाले दिनों में भारत सरकार की इन कोशिशों का असर भी दिखाई दे। आम युवकों को धोखा देने वाले एजेंट्स पर कानूनी कार्रवाई। दरअसल नौकरी दिलाने और कुछ रुपए की तनख्वाह की खातिर रूस में युद्ध के मोर्चे पर धोखे से भेजे गए भारतीय नौजवानों के इस दर्द को आपका चैनल एनडीटीवी लगातार दिखा रहा है। अब सरकारी एजेंसियों ने हमारी खबर दिखाए जाने के बाद एक्शन लेना शुरू किया है। देश के अलग अलग शहरों से गरीब और जरूरतमंद युवकों को नौकरी का झांसा देकर रूस भेजा गया। वहां नौकरी की जगह उन्हें रूसी सेना में जबरदस्ती धोखे से शामिल कराया गया और यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में रूस की तरफ से लड़ने के लिए झोंक दिया गया। अब इस मामले में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। हमने बीते महीने में इस खबर को बहुत संजीदगी और प्रमुखता से आपको दिखाया था और सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाए थे। हमने बताया कि कैसे देश के अलग अलग शहरों के युवाओं को नौकरी के नाम पर फंसाया गया। 29 फरवरी को खबरों की खबर में सबसे पहले इसी मुद्दे को हमने उठाया और पूरे देश से युवाओं को फंसाने की मानव तस्करी की कहानी बताई। ये बताया कि कितना मजबूत रैकेट है जो ये सब कर रहा है और एजेंसियों को इसकी आहट तक नहीं है। अगर आपके परिवार का कोई युवा नौकरी के लिए विदेश जाए और आपको पता लगे कि विदेश में वो दो देशों की लड़ाई में एक देश की सेना में धोखे से शामिल कर लिया गया है और युद्ध में उसे झोंक भी दिया गया है, जहां लड़ना उसकी मजबूरी बन गई है, तो आपकी क्या हालत होगी? ऐसा ही कुछ हुआ है लाख डेढ़ लाख रुपए की नौकरी के नाम पर रूस गए हमारे देश के कई युवकों के साथ। ये एक या दो की नहीं, सैकड़ों युवकों की कहानी है। ये नौजवान इन दिनों यूक्रेन रूस युद्ध में बेमतलब फंसे हैं। रूस की सेना ने इन भारतीय युवाओं को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए मोर्चे पर भेज दिया है। वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते, वो तो नौकरी करने के नाम पर रूस गए थे ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अब ये हमारे देश के नौजवान अपने देश वापस लौटना चाहते हैं और देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे उनके परिवार वाले बेहद परेशान हैं। कुछ हरे हरे डॉलर की खातिर कुछ भारतीय एजेंटों ने हम वतनों को ही युद्ध में गलत तरीके से झोंक दिया है। एनडीटीवी की टीम ने देश भर से इनपुट जुटाया है। तो आइए पूरी खबर पर सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके नजर डालते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में 100 के करीब भारतीयों के भी रूस की ओर से लड़ने की खबर सामने आ रही है। युद्ध के मैदान में एक भारतीय युवक के मारे जाने की भी अब खबर आ चुकी है। उसी के बाद हमें लगा कि पूरी जगह से इनपुट इकट्ठा करना चाहिए और जानना चाहिए कि आखिरकार ये युवक रूस कैसे पहुंचे। कुछ भारतीय इस लड़ाई में गंभीर तौर पर घायल भी हुए हैं। जान गंवाने वाला युवक गुजरात के सूरत जिले का 23 साल का हेमिल अश्विन भाई है, जो 21 फरवरी को इस युद्ध में यूक्रेन के हमले के दौरान मारा गया।
और आपको बताते हैं अब किस तरह से मानव तस्करी का खुलासा हुआ है, पर्दाफाश हुआ है। नौकरी के नाम पर रूस यूक्रेन जंग में युवाओं को भेजे जाने के एक बड़े मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, सीबीआई ने किया है। इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, अंबाला, चंडीगढ़ समेत 7 राज्यों में 13 जगहों पर छापेमारी की है। 50 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं। इसके अलावा आपको बता दें लैपटॉप, मोबाइल फोन यहां पर जब्त किए गए हैं। कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश सिंह सेंगर और मोहम्मद गजाली जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से, उन पर इस ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ते हैं। जो मामले सामने आए इसके बाद जो सीबीआई है उसने इस पूरे मामले का खुद संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद एक केस दर्ज किया और केस दर्ज करने के बाद कल से लगातार जो सीबीआई है वो छापेमारी कर रही है। 7 राज्यों में 13 लोकेशन पर छापेमारी हो रही है, जिसमें दिल्ली है, अम्बाला है, मदुरई है, त्रिवेंद्रम है और भी बहुत सारे शहर हैं जहां ये छापेमारी की जा रही है। और एक बात और गौर करने वाली है कि जिन 5 युवाओं या 7 टोटल हैं, जिसमें से एक हरियाणा के करनाल के थे, बाकी 5 या 6 जो हैं वो पंजाब के गुरदासपुर, होशियारपुर और जलंधर इलाके के हैं। उन्होंने ये बात साफ बताई थी कि जब वो रशिया गए थे घूमने के लिए, उसके बाद वो बेलारूस किसी एजेंट के जरिए वहां पहुंच गए और उसके बाद उनके पास वहां डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो एजेंट्स ने उनको रशियन आर्मी को दे दिया। अपनी इसी तहकीकात में हमने बाबा व्लॉग्स नाम के यूट्यूबर के जरिए कैसे ये पूरा रैकेट चल रहा है उसका भी खुलासा किया था। कैसे यूट्यूब का सहारा लेकर युवाओं को लाखों की सैलरी का झांसा दिया जाता है, उन्हें रहने खाने की तमाम सहूलियतों का दिवा स्वप्न दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत वहां रूस पहुंचने पर पता चलती है। तेलंगाना के हैदराबाद का एक युवक मोहम्मद असफान भी इस तरह 9 नवंबर को रूस भेजा गया। वो पहले हैदराबाद से चेन्नई गया, वहां से एजेंट ने उसे पहले शारजा और फिर 12 नवंबर को मॉस्को भेजा। मोहम्मद असफान के परिवार के मुताबिक एजेंटों ने 13 नवंबर को एक एग्रीमेंट भी साइन करवाया था। उनकी शिकायत है कि एजेंट रमेश और नजील ने उन्हें गुमराह किया है। इस खबर को लेकर हम लगातार पूरे रैकेट की परत दर परत खोल रहे थे। पूरा देश अपने देश के युवाओं को लेकर बेहद चिंतित था, जिन्हें सपने दिखाकर अंधेरे भविष्य की तरफ धकेल दिया गया था। एनडीटीवी की टीम ने पूरे देश से इनपुट जुटाकर इस खबर को लगातार आपको दिखाया। जिनके बच्चे वहां फंस गए थे उन्होंने हमसे संपर्क किया और खुद अपनी आप भीति भी हम तक पहुंचाई। हमने भी अपना फर्ज समझकर रूस यूक्रेन युद्ध में धोखे से सैनिक बनाए गए युवाओं और उनके परिवार के दुख को आपके सामने रखा। हम लगातार इस खबर पर बने रहे। 4 मार्च को पंजाब और हरियाणा से रूस में फंसे युवाओं के दर्द को आपके सामने रखा। उन युवाओं ने किस तरह वहां से वीडियो बनाकर अपने परिजनों को भेजा और उनसे अपील की कि उन्हें वापस देश लाया जाए, वो तस्वीरें हमने दिखाई। अब कोशिश हो रही है सरकार के द्वारा इन लोगों को वहां से वापस छुड़ाने की। नमस्कार, हम सब ने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि हम यहाँ पर यूक्रेन में फंस चुके हैं और ये हमें आज आगे भेज रहे हैं फ्रंट लाइन पर। हो सकता है कि ये हमारी आखिरी वीडियो हो, इसके बाद हमारी कोई कॉल मैसेज वीडियो ना आए। इंडियन एम्बेसी से और भारत सरकार से हमारी हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाए और हमारे जैसे भारतीय भाई यहाँ पर और भी फंसे हुए हैं, कृपया करके उनको भी निकाल दिया जाए, कोई रशिया में कोई यूक्रेन में है। धन्यवाद। नमस्कार, हम सब ने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से पहले भी बताया था कि हम यहाँ पर यूक्रेन में फंस चुके हैं और ये हमें आज आगे भेज रहे हैं फ्रंट लाइन पर। हो सकता है कि ये हमारी सही खबर थी, बड़ी खबर थी, इसीलिए असर भी बड़ा हुआ। सरकारी सिस्टम अब आखिरकार जाग गया है। हालांकि ये आंकड़ा जुटाना आसान नहीं है कि कितने युवकों को अब तक रूस भेजा गया है, कितने सालों से इनको रूस भेजा जा रहा है और अब तक कुल कितने युवक मानव तस्करी के रैकेट में फंसकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई युवा बेहतर जीवन की तलाश में गैर कानूनी तरीकों से भी इन मानव तस्करों के जरिए विदेश में जाकर अब फंसे हुए हैं। अब आपको पूरा अपडेट दिखाते हैं और फिर वो कहानी जिससे हम लगातार आपको सामने रख रहे हैं। मानव तस्करी पर अब तक आज सीबीआई ने 7 राज्यों में 13 जगहों पर छापेमारी की है। दिल्ली की वीजा कंसल्टेंसी कंपनी ने 180 भारतीय युवकों को रूस भेजा है। सीबीआई जांच में पता चला है कि कितने युवाओं को वॉर जोन में भेजा गया है, सीबीआई ये पता कर रही है। ज्यादातर युवाओं को स्टूडेंट वीजा पर रूस भेजा जाता था।
रूस पहुंचकर कई युवा गैर कानूनी तरीके से नौकरी में लग जाते थे। सीबीआई ने 19 फर्मों पर केस दर्ज किया है जिन्होंने लड़कों को रूस भेजा। एफआईआर में बताया गया है कि कैसे मानव तस्करी रैकेट चल रहा था, कैसे भारतीय नौजवानों को धोखा देकर रूस की सेना में भर्ती कराया गया। एफआईआर में यह भी कहा गया कि नेटवर्क देश के कई राज्यों में इन एजेंट्स का फैला हुआ है। बड़ी रकम वसूल कर युवाओं को वहां पर ले जाया जाता था। इन युवाओं को ले जाकर वहां पर बेहाल छोड़ दिया जाता था। युवाओं के पासपोर्ट कुछ एजेंट्स छीन लेते थे, अपने पास रख लेते थे ताकि उनसे अपना मनमाना काम करा सके। युद्ध की ट्रेनिंग भी इनको दी जाती थी, छोटी मोटी ट्रेनिंग, कोई एक्सपर्टीज नहीं। और इन्हें रूस की सेना की वर्दी और बैच दिए जाते थे। इच्छा के विरुद्ध ये लोग बना करें जबरन पासपोर्ट के बहाने इनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाए जाते थे। उस कॉन्ट्रैक्ट को रशियन भाषा में लिखा होता था और उसके बाद इनको युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाता था। विदेश मंत्रालय भी इस खबर के दिखाए जाने के बाद से एक्शन में है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि झांसा देने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। We have strongly taken up the matter with the Russian government for early discharge of such Indian nationals. Strong action has been initiated against agents and unscrupulous elements who recruited them on false pretexts and promises. We once again appeal to Indian nationals to not be swayed by offers made by agents for support jobs with the Russian army. This is fraught with danger and risk to life. We remain committed to early release of our nationals serving as support staff with the Russian army and their eventual return home. और आपको सतर्क करने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि कैसे युवाओं को विदेश में बेहतर जीवन का झूठा सपना दिखाया जाता था। बाबा व्लॉग्स नाम के बने इस यूट्यूब चैनल के 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इसने यहां पर रूस में डिलीवरी बॉय का वीडियो डाला है, सरकारी नौकरी तक का वीडियो इस चैनल पर डाला गया है। लाखों युवाओं ने उसे देखा। ऐसे वीडियो से उन्हें लगा कि वो अपनी किस्मत बदल सकते हैं और मानव तस्करी के इस रैकेट में वो फंसते चले गए। इसकी सच्चाई भी हमने अपने पिछले महीने आपको बताई थी, वीडियो में आ गया, आप विस्तार से उसे देखेंगे भी। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा रैकेट कैसे इतने दिनों से ऑपरेट कर रहा था, क्या कर रही थी हमारी एजेंसियां, और अब सीबीआई आगे आई है और क्या कर सकती है, ये जानना भी बहुत जरूरी था। और अब बढ़ते हैं आज की दूसरी और एक और अहम खबर की ओर, एक ऐसी खबर जो लोकतंत्र में आपके भरोसे को और मजबूत करेगी। क्या किसी देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना अपराध है? क्या सरकार के किसी निर्णय पर नाराजगी या विरोध जताना अपराध है? व्हाट्सएप स्टेटस पर गिरफ्तारी हो सकती है क्या? ये कुछ अहम और बड़े सवाल है और इनको गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक लोकतंत्र होने के नाते हमें इस पर सोचने की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में इस बहुत गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19 यानी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कोई भी बात कहने का अधिकार है। कोई भी नागरिक किसी अन्य देश के नागरिक को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अनुच्छेद 370 को हटाने के दिन को काला दिवस कहा गया, यह विरोध और पीड़ा की अभिव्यक्ति थी। यानी काला दिवस कहना गलत नहीं था, यह एक तरीके का विरोध था, एक तरीके का दर्द था जो किसी ने अपने स्टेटस पे लिखा। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या कहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिक्षक हैं जावेद अहमद हाजम, जो पढ़ाते हैं, वो कश्मीर के रहने वाले हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जिसमें लिखा था कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर का ब्लैक डे है, 14 अगस्त पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, अनुच्छेद 370 खत्म करने से हम खुश नहीं हैं। इस स्टेटस के आधार पर इन शिक्षक महोदय के खिलाफ आपराधिक मामला महाराष्ट्र की पुलिस ने दर्ज कर लिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब जो कहा है वो इंपॉर्टेंट है। आपराधिक मामला रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को सरकार के फैसले की आलोचना का अधिकार होता है। सिर्फ सरकार के फैसले की आलोचना को आईपीसी की धारा 153(a) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।
धारा 153 ए के तहत अपराध माने जाने पर लोकतंत्र, जो संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है, जीवित नहीं रहेगा। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना एक सद्भावना का संकेत है। इसे विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना से पैदा करने वाला नहीं कहा जा सकता है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने की। कोर्ट ने आगे कहा, हम कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों के मानकों को लागू नहीं कर सकते हैं। हमारा देश 75 सालों से अधिक समय से एक लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है। हमारे देश के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को समझते हैं, जानते हैं। कोर्ट ने चांद और उसके नीचे 14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंट डे पाकिस्तान शब्द वाली तस्वीर पर आरोप पर कहा है कि यह धारा 153 ए की उपधारा एक और खंड ए को आकर्षित नहीं करेगा। देश के नागरिक को स्वतंत्रता दिवस पर अन्य देश के नागरिक को शुभकामनाएं देने का अधिकार होता है। देश में हाल के दिनों में इस तरह के कई मामले बढ़े हैं। आपने भी सुना होगा, कोई किसी को कह देता है कि तुम देशद्रोही हो, कोई कह देता है कि तुम पाकिस्तान प्रेमी हो, पाकिस्तान चले जाओ। तो विरोध करने पर गिरफ्तार करने के केसेस में इन दिनों में कुछ तेजी आई थी, जबकि ये स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप असहमति रख सकते हैं और लोकतंत्र के लिए ये बेहद जरूरी भी है, तभी तो ये लोकतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पुलिस तंत्र पर इस तरह के मामले में कार्रवाई करने की जल्दबाजी पर रोक लगाने में कारगर साबित होगा। अक्सर हमने देखा है कि पुलिस वाले कोर्ट के इन तमाम संविधान की अनुच्छेदों को गलत तरीके से व्याख्या करते हैं और अपना डंडा चलाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और आज की बड़ी खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं, हर तरफ उम्मीदवारों की लिस्ट की चर्चा तेज है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बड़े दल अभी से उम्मीदवार तय कर रहे हैं, जिससे उम्मीदवारों को प्रचार का पूरा मौका मिले। कांग्रेस ने भी आज 39 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की। तमाम राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी से सुझाव मंगाए गए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने कल चुनाव समिति की बैठक की और उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए और आज उनकी घोषणा कर दी। लिस्ट में जो बड़े नाम आज घोषित हुए हैं, उसमें राहुल गांधी हैं वायनाड से, भूपेश बघेल का नाम है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, ज्योत्सना महंत हैं सिटिंग सांसद, शशि थरूर हैं सिटिंग सांसद और केसी वेणुगोपाल हैं, इनके नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ऑफ कांग्रेस हैज सेलेक्टेड 39 कैंडिडेट्स, फर्स्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट। इन दिस लिस्ट आउट ऑफ 39 15 people are from general category and 34 candidates from SC, ST, OBC minorities. तो कुछ लिस्ट नाम सार्वजनिक हो गए, बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, दूसरी पार्टियों की तरफ से भी, आप हो या सपा हो। हम आपको अब उम्मीदवारों के जब नाम सामने आ चुके हैं तो कुछ VIP सीटें आपको दिखाते हैं। बड़ा मुकाबला किन किन सीटों पर अब आपको 2024 की इस लड़ाई में देखने को मिलेगा। वायनाड सीट है, सबसे पहले तो राहुल गांधी यहां से लड़ेंगे। उनके सामने CPI की नेता एनी राजा हैं, जो कि डी राजा साहब की पत्नी हैं, आमने सामने होंगे। तिरुवनंतपुरम एक और की फाइट होने वाली है मई के महीने में। यहाँ पे कांग्रेस के शशि थरूर का मुकाबला बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उनसे होने वाला है। एक और की फाइट, इंपॉर्टेंट बैटल आप देखेंगे राजनांदगांव पर, जहाँ पर कांग्रेस ने भूपेश बघेल साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है और वहीं बीजेपी से संतोष पांडे साहब का नाम पहले ही घोषित हो चुका है। बारामती महाराष्ट्र की एक और इंपॉर्टेंट सीट है, जहाँ पर आप कह सकते हैं महामुकाबला देखने को मिलेगा। NCP गुट की तरफ से सुप्रिया सूले का नाम है, जो कि शरद पवार साहब की बेटी भी हैं, उनकी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं, ऑफिशियली नाम घोषित नहीं हुआ है। दूसरी तरफ NCP जो दूसरी है, अजीत पवार साहब, उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, यानी यहाँ पर आपस में भाभी और देवरानी के बीच का आपस का मुकाबला होगा। जोधपुर की एक और सीट की बात की जाए तो इसमें कांग्रेस के अशोक गहलोत का नाम हालांकि घोषित नहीं हुआ है, पर माना जा रहा है कि अशोक गहलोत को इस सीट से लड़ाएंगे और बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम पहले ही घोषित कर दिया, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री है। इंपॉर्टेंट की बैठक होगा। राजस्थान की एक और सीट है नागौर की, यहाँ पर RLP के उम्मीदवार हैं हनुमान बेनीवाल, उनका मुकाबला बीजेपी की ज्योति मिर्धा से होगा। ये जाट सीट है और दोनों जाट समुदाय में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। एक और महामुकाबले की सीट होने वाली है अलवर की, राजस्थान में कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह का मुकाबला यहाँ पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से हो सकता है। भंवर जितेंद्र सिंह का नाम अभी घोषित नहीं हुआ, लेकिन ऐसी संभावना है। कन्नौज यूपी में आते हैं, यूपी में कौन सी महामुकाबले की सीटें हैं।
कन्नौज में समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के नाम की चर्चा है और उनका मुकाबला हो सकता है बीजेपी के सुब्रत पाठक से, जो इस वक्त भी सांसद हैं और इन्होंने पिछली बार इसी परिवार के और सदस्यों को चुनाव हराया था। आजमगढ़ सीट है यूपी की, यहाँ पर बीजेपी दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि जाने माने भोजपुरी एक्टर हैं, उनके नाम की घोषणा कर चुकी है। संभावित नाम यहाँ पर धर्मेंद्र यादव का सामने आया है, अखिलेश यादव के कजिन भाई हैं और ये एक जोरदार मुकाबला देखने को मिल सकता है। वापस लौटते हैं कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस को दक्षिण भारत से ज़्यादा सीटों की उम्मीद दिखती है। यही वजह है कि पहली लिस्ट में जो 39 उम्मीदवारों के नाम जारी हुए हैं उसमें 27 उम्मीदवार दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से हैं। बेशक कांग्रेस 39 उम्मीदवार तय कर पाई हो अभी तक, लेकिन बीजेपी ने पिछले हफ्ते पहली लिस्ट में जो जारी की थी उसमें 195 नाम थे। बीजेपी ने इस चुनाव में अपना मिशन बड़ा कर दिया है, वो चाहती है कि उसे अकेले 370 सीटें मिलें और एनडीए को 400 के पार सीटें मिलें। इसके लिए दक्षिण भारत पर बीजेपी की खासी नज़र है। बीजेपी की बड़ी बैठकें चल रही हैं, गठबंधन किए जा रहे हैं। कल देर रात टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जनसेना के पवन कल्याण ने गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकातें की हैं। बिहार की अगर बात करें तो एलजेपी के नेता चिराग पासवान भी गृहमंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष से मिल चुके हैं। वहीं आज देर रात को बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र को लेकर भी बीजेपी और उसके साथियों की बैठक होने वाली है। 48 सीटें हैं राज्य में और यहां पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन है, तो उसको कितनी सीटें मिलेंगी यह आज अमित शाह के दरबार में तय होगा। तैयारी दोनों तरफ से है। तो एक बात तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता जो केसी वेणुगोपाल ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज जब लिस्ट जारी हो रही थी उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। क्या कहा सुनते हैं। वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट दैट इश्यू आल्सो। कांग्रेस पार्टी इज वेरी क्लियर, वी आर हियर फॉर रिड्यूसिंग द बीजेपी सीट इन अ मैक्सिमम लेवल। वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर दैट रिड्यूसिंग द बीजेपी सीट्स, बट वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम लेवल ऑफ कॉपरेशन विद अदर पार्टनर्स आल्सो। इन सम स्टेट्स वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। कांग्रेस की लिस्ट पर बात करते हैं संदीप शास्त्री जी से, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट से। संदीप जी शुक्रिया। एक छोटा सा क्विक सवाल में जानना चाहूंगा, कांग्रेस का सब कुछ दक्षिण भारत पर लगा हुआ है और बीजेपी का सब कुछ उत्तर भारत पर लगा हुआ है, इस लड़ाई को ये बराबरी की लड़ाई बनाता है क्या? आपने दो बातें कही, एक कांग्रेस दक्षिण पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रहा है और बीजेपी उत्तर पे। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी भी दक्षिण की तरफ काफी ध्यान दे रही है, क्योंकि अगर 370 का लक्ष्य उन्हें पहुंचना हो तो दक्षिण का भी बहुत ही इसमें अहम पात्र रहेगा। पर आपकी दूसरी बात को मैं संपूर्ण तरह से मानूंगा कि कांग्रेस दक्षिण पे थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस दे रही है। एक कारण तो ये है कि केरल में 19 स्थानों को कांग्रेस लेड अलायंस ने जीता था पिछली बार, और आप देखेंगे इसलिए अभी जो उन्होंने लिस्ट जारी किया है केरला पे काफी एम्फेसिस है। सिर्फ एक सिटिंग एमपी को उन्होंने नहीं टिकट दिया है उधर, और कर्नाटका को आए तो पिछली बार उनको एक ही सीट मिला था कर्नाटका से, और राज्य में 28 सीट्स हैं और राज्य में उनकी सरकार भी है। सो ज्यादा एम्फेसिस उन्होंने कर्नाटका पे भी दिया है, थोड़े सीट्स वहां पे अनाउंस किए हैं। सो दक्षिण के जो ज्यादातर सीट्स हैं उन सीट्स पे कांग्रेस को लगता है उसका और उसके अलायंस पार्टनर्स का एक थोड़ा पकड़ ज्यादा होने की एक संभावना है, उसी कारण से शायद दक्षिण पे इतना एम्फेसिस उन्होंने दिया है। केरला पे हो, कर्नाटका पे हो, तेलंगाना पे हो, ये तीन बहुत ही अहम राज्य हैं कांग्रेस के लिए कि उनके संख्या में बढ़ाने की एक वो कोशिश करें। उसी तरह जैसे आपने कहा बीजेपी के लिए भी दक्षिण बहुत ही महत्व का है, बिकॉज ये 370 का लक्ष्य दक्षिण से काफी सीटों की एक उम्मीद बीजेपी को है, क्योंकि उत्तर भारत और वेस्टर्न इंडिया में तो एक स्ट्राइक रेट ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है, और ये 370 अगर पहुंचना है तो दक्षिण में अच्छे किए बिना वो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए। संदीप जी वक्त की कमी है, माफी चाहता हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत इस छोटे लेकिन बड़े परफेक्ट एनालिसिस के लिए, थैंक यू सो मच संदीप शास्त्री जी। और खबरों की खबर में बात करते हैं दिल्ली की एक वायरल हो रही तस्वीर की। दिल्ली के इंद्रलोक से आई तस्वीरें आज हैरान करने वाली हैं। यहाँ बिना इजाजत सड़कों पर लोग बैठकर जुमे की नमाज पढ़ रहे थे, तभी वहाँ दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारी आ गए।
एक पुलिस वाले ने नमाज पढ़ रहे व्यक्ति को लात मार दी। वो पुलिस वाला यही नहीं रुकता है, अभद्रता के साथ बाकी नमाजियों को भी वहां से हटाने लगता है। ये सब तब होता है जब वो सब नमाज पढ़ रहे थे, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। ये तमाम तस्वीरें मोबाइल फोन में कैद भी हुई। बड़ी संख्या में इलाके में लोग जमा हो गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मामला संवेदनशील हो गया, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालात को संभालने की कोशिश की। ये सही है कि बिना इजाजत सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए था, लेकिन हटाने का जो तरीका पुलिस वाले ने अपनाया वो और भी ज्यादा गलत था। वो कानून को और अपने हाथों में लेने की हिमाकत जैसी थी। आप किसी को हटाने के लिए इस तरह का भद्र व्यवहार नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। उस पुलिस वाले को जिसने लात मारी थी उसको अब सस्पेंड कर दिया गया है। इस शर्मनाक हरकत के लिए उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया है। क्या कहा गया है आइए सुनते हैं। अभी आज नमाज के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में जो भी हमारे पुलिस वाले थे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, सस्पेंशन का ऑर्डर निकल गया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। जो लोग इकट्ठे हुए थे उनको समझाया गया कि जो जिसने गलती की उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है और हमारे जो लोकल निवासी हैं, लोकल यहाँ के लोग हैं, उनके साथ मिलके उन लोगों को समझाया गया है। अब यहाँ से ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। ये बात समझाने के बाद मस्जिदों से भी ऐलान कराया गया कि एक्शन ले लिया गया है और अब सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल है।